भागलपुर शहर को स्मार्ट बनते देखने का सपना 2019 में सपना ही रह गया। पूरे साल शहरवासी स्मार्ट सिटी के कार्य को धरातल पर लाने का इंतजार करते रहे, पर ऐसा नहीं हो सका। कुछ प्रोजेक्ट के टेंडर की प्रक्रिया शुरू हुई, पर कुछ तो अभी भी ऐसे ही पड़ा है। भागलपुर स्मार्ट सिटी लिमिटेड के दो सबसे बड़े प्रोजेक्ट स्मार्ट सड़क और कमांड एंड कंट्रोल सेंटर हैं। CCC में दो प्रोजेक्ट हैं, एक इसका सॉफ्टवेयर जो 191.70 करोड़ से होना है और दूसरा इसका भवन जो 22 करोड़ से तैयार होना है। भवन के टेंडर में एकमात्र कंपनी के आने से उसका रीटेंडर करना पड़ा और सॉफ्टवेयर की DPR को तैयार करने और तकनीकी जांच में बहुत समय लग गया। फिलहाल सॉफ्टवेयर की प्री बिड हुई है, पर टेंडर फाइनल होने में अभी एक महीने का वक्त लगेगा। इसी महीने भागलपुर के स्मार्ट सिटी की लिस्ट में शामिल हुए 3 साल भी हो गए हैं, पर अभी तक सिर्फ इंतज़ार ही मिला है। स्मार्ट सड़क की बात की जाए तो इसमें अभी और समय लगना है। स्मार्ट सिटी के अधिकारियों का कहना है कि इसकी DPR तैयार हो गई है, पर कई अन्य विभागों से NOC नहीं मिलने की वजह से DPR को मंजूरी नहीं दिलवाई जा सकी है। स्मार्ट सड़क का निर्माण वार्ड 18 से 23 के बीच 17 सड़कों में होना है। स्मार्ट सिटी के तहत अन्य बड़े प्रोजेक्ट की बात करें तो उसमें सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट और रिवर फ्रंट है। सॉलिड वेस्ट की DPR तकनीकी जांच के लिए IIT पटना में है, तो रिवर फ्रंट का पहले का सर्वे गलत हुआ है और जिसका दोबारा सर्वे भी नहीं किया जा सका है। स्थिति यह है कि पटना स्मार्ट सिटी की PDMC के सहारे BSCL का काम हो रहा है। यहां से PDMC को बर्खास्त तो कर दिया गया, पर अभी तक नई PDMC का चयन नहीं हो सका है। इसकी भी टेंडर की प्रक्रिया जारी है। शहर से निकलने वाले कूड़े को डंप करने के लिए एक डंपिंग ग्राउंड की भी व्यवस्था नहीं किया जा सका है। कनकैथी में डंपिंग ग्राउंड तो मिला, पर वहां ना तो बाउंड्री कराया जा सका और न ही वहां तक पहुंचने के लिए पहुंच पथ ही तैयार हुआ, और पूरे साल स्थानीय लोग वहां पर कूड़ा डंप करने का विरोध करते रहे और निगम कर्मियों को वहां कई बार वहां से जान बचाकर भागना भी पड़ा। DM वहां गए और उनके निर्देश पर कछुए की चाल से सड़क का निर्माण कार्य शुरू हुआ है। आगे भी अनोखा पोस्ट आपको ऐसी रोचक जानकारियां देता रहेगा, तो बने रहें हमारे अनोखा पोस्ट चैनल के साथ।